बोकारो जिला गोमिया प्रखंड पंचायत पलिहारी गुरुडी ग्राम लटखुट्टा नाईटोला में आंगनबाड़ी केंद्र जो 6 वर्षों से चलाया जा रहा है और इस केंद्र में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे पढ़ने आते हैं। आइए चलते हैं इस केंद्र में और देखते हैं इस केंद्र का नज़ारा। कैसा चलता है पढ़ाई यहाँ? पढ़ा तो सेविका तो जब से सेंटर चल रहा था उसे एवी नहीं करती है, सहायिका ऊपर छोड़ देती है। सहायिका भी अपना घर के काम करते रहती है, 10 दिन में 1 दिन आती है। सेविका क्यों नहीं आती, उसको पूछे नहीं कभी? बोलती है कि हाँ आते तो हैं, हम लोग सामने देखते हैं, बगल हम लोग सामने हैं, सेंटर के बगल एक हैं हम लोग। थोड़ा सा सेंटर खोल के चल जाएगी अपना घर, बच्चा सब वहाँ खेल रहा है जो मन सो कर रहा है, फिर आती है, अरे कहाँ से करती है रे, हो गया फिर चल गए घर। मेरा वहाँ बच्ची पढ़ती है, वो आके तुरंत बोलती है कि मम्मी कुछ नहीं मिला खाने के लिए, ये कोई आंगनबाड़ी में कुछ सुविधा है ये नहीं है। बच्चा लोग जब 10 दिन में 1 दिन खिचड़ी बना के देती है तो बच्चा लोग का पेटे खराब हो जाता है, और वो पैकेट वाला जो मिल रहा है वो बना के देती है तो बच्चा लोग लेटरिंगे करने लगता है, तो इस तरह आप बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा, कुछ सुविधा है ये नहीं है। वहाँ का महिला लोग को तो सब अनुरोध है कि आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ से हटाना चाह रही है सब कोई। 2007 का अगस्त से चला रहे हैं, उस समय था कि पहले पोषाहार का राशि दिया जाता था, आज आपका पोषाहार का राशि मिल गया, आज या कल आप राशन खरीद लीजिए, उसके बाद से बच्चे को खिलाइए, अगर किसी माह पैसा नहीं आया हुआ है तो आप नहीं खिलाइए। वो एक तरह से ठीक था कि पहले पैसा दिया जाता था उसके बाद से अपना चलाइए, लेकिन अब कर दिया गया है कि पहले आप खिचड़ी खिलाइए तब आपको हम पैसा देंगे। अच्छा, वो भी अगर किया गया था तो वो भी मंथ मंथ में रहता तो ये मत होता, दुकान वाले से भी आदमी इस मंथ में खरीदेगा अगला महीना एक पैसा मिलेगा तो पेड कर देगा, लेकिन है कि 11-12 महीना तक जो ड्यूज चले जाता है अब उसमें हम लोगों को दिक्कत होने लगता है। अब दिक्कत होने के कारण में व्यवस्थित हो जाता है सब चीज़। अब एक दिन का दैनिक मजदूरी 200 रुपये है, अब एक दिन का दैनिक मजदूरी 200 रुपये है तो 200 रुपये भी करके अगर हम हिसाब करते हैं तो 6,000 मानदेय बनता है, अब 6,000 नहीं बनके मात्र 3700 मिलता है। अब इस बार पेपर में मार्च का या अप्रैल का पेपर में आया कि 700 रुपया बढ़ोतरी किया गया, अब 700 में अभी भी तो मात्र 4400 रुपया हुआ, अभी भी तो न्यूनतम जो मजदूरी है उसमें अभी भी तो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब उस तरह से किस तरह से झेलते हुए सब हम लोगों को करना पड़ता है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। आंगनबाड़ी केंद्र से बच्ची के लिए ड्रेस मिला, पूरा अल्फाबेट का चार्ट मिला, मैंने वर्णमाला का मिला, वो सब मिला, इधर से बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन सेविका सहायिका चल मरा ही नहीं, उन्हीं लोग का नहीं है। अब उस भूखे पेट हरि भजन ठीक से हो पाता नहीं है। यहाँ पर कभी भी बाल विकास पदाधिकारी की ओर से निरीक्षण नहीं कराया गया यहाँ के समुदाय वाले, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस केंद्र का निरीक्षण किया जाए और पढ़ाई ठीक से हो सके। मैं तमाम वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि बाल विकास पदाधिकारी गीता सो के मोबाइल नंबर 9431-1560-63 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इस केंद्र का सुचारू रूप से पढ़ाई चल सके। मैं मंजू राज, गोमिया प्रखंड, जिला बोकारो, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।